नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे, मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। गणपति बप्पा मोरया अगले वर्ष तू जल दिया के जयकारे के साथ हुआ भव्यता के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। पर्युषण पर्व के समापन अवसर पर निकली श्री जी की भव्य शोभा यात्रा। सांप के काटने से किशोरी की मौत। स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं मिला 6 महीने से वेतन। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल दिया, ऐसा कहना था भगवान श्री गणेश के भक्तों का, जिनके द्वारा भव्यता के साथ विसर्जन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि लगातार बारिश होती रही लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। श्री हिंदू गणेश गर्जना मंच के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी चल समारोह में लोगों का सम्मान किया गया, समितियों का सम्मान किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। दमों के राजा पुराने थाने को प्रथम स्थान मिला है, वहीं अन्य चल झांकियों को भी इस बार पुरस्कृत किया गया है। बड़ी संख्या में युवाओं में काफ़ी जोश के साथ ये उत्सव मनाया गया। दमों के घंटा घर पर आप देख सकते हैं किस तरह से युवाओं में खासा जोश है। आपको हम बता दें कि यहाँ पर लकी डीसीएन के माध्यम से इसका सीधा प्रसारण भी किया गया, ताकि लोग घरों में बैठकर सीधा प्रसारण देख सकें और ये भी देख सकें किस तरह से बब्बा की विदाई हो रही है।
बारिश के बीच भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। लगातार भक्तों के द्वारा भगवान श्री गणेश की विदाई को भव्यता प्रदान की गई, साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग नजर आए। जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद थे, प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, जिला प्रशासन की ओर से भी बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखी डीसी न्यूज। पर्वराज पर्यूषण पर्व के समापन अवसर पर जैन समाज दमोह के द्वारा चांदी के रथ पर श्री जी सवार कर शोभा यात्रा बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। जो शोभा यात्रा सिटीनल से प्रारंभ हुई, जो नसिया जी मंदिर तक पहुंची, जहां श्री जी का अभिषेक हुआ। इसके बाद मुनिश्री के प्रवचन भी हुए। इसके उपरांत श्री जी की शोभा यात्रा घंटाघर होते हुए धगट चौरा, नंदा जी मंदिर होते हुए चौधरी मंदिर सिटीनल पर पहुंची, जहाँ इसका समापन हुआ। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में ढोल नगाड़े बज रहे थे, जिस पर युवाओं के द्वारा काफ़ी खुशी जाहिर की जा रही थी। महिलाओं की भी उपस्थिति देखी गई। वहीं इस शोभा यात्रा में SDM RL बागरी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी लगे नजर आए। दमो के घंटा घर पर दमो सांसद राहुल सिंह लोधी एवं दमो विधायक जयंत मलैया के द्वारा जुलूस का स्वागत किया गया। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दबाव श्री गणेश महोत्सव दो में धूमधाम से मनाया गया। लगातार देखने में आया जब विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई, भव्यता के साथ मंदिर बनाया गया और भगवान श्री गणेश का विशेष पूजन अर्चन हुआ। दमो शहर में अनेक स्थानों पर दमो के राजा स्थापित किए गए। काफ़ी भव्यता के साथ इस बार ये महोत्सव मनाया गया। वहीं प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाएँ की गई थी। विशाल प्रतिमाएं थीं जिन्हें ले जाना तालाब में संभव नहीं था। हालांकि इस बार क्रेन का उपयोग नहीं किया गया, सीधे यहां पर एक स्लोप बनाया गया, जिससे बड़ी बड़ी प्रतिमाएं तालाब में विसर्जित हो सकें। दमोह के तालाब पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं नजर आईं, क्योंकि तालाब में पानी काफ़ी अधिक था, जिसके चलते होमगार्ड के सैनिक यहाँ पर तैनात किए गए थे। आप देखिए तस्वीरों में, ये रात्रि लगभग 2:30 की तस्वीरें हैं जब लोग यहाँ पर थे। सुबह लगभग 4:45 तक प्रतिमाएँ विसर्जित होती रहीं।
चलो बात गाली करो बात ट्रैक्टर ड्राइवर गाड़ी बड़ा है चलो भाई घाट खाली कर लो दमोह जिले में स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वे खासे परेशान हैं। पिछले 6 माह से परेशान हैं। कई बार शिकायतें आवेदन निवेदन किया गया, लेकिन अब तक कोई नतीजे नहीं निकले। हम आपको बता दें कि सेट मैप के माध्यम से तमाम लोगों को रखा गया था। ऐसे में बड़ी बात यह है कि जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है ये स्पष्ट बताया भी नहीं जा रहा है, जिसके चलते तमाम लोग परेशान हैं। वो चाहते हैं कि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाए। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या आप लोगों की मांग है? हम लोग आउटसोर्स कर्मचारी हैं और हम लोगों को 5 माह से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। विभिन्न पद पे सब लोग काम कर रहे हैं, ऑपरेटर हैं, सफाई कर्मी हैं, वार्ड बॉय हैं, सपोर्ट स्टाफ हैं। कहाँ पे पदस्थ हैं? सभी ब्लॉकों से आए हैं, पथरिया, जनुखेड़ा, जबेरा। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं आप लोग? कितनी संख्या में? हम लोग आउटसोर्स में 300 करीब होंगे जिले में। कब से वेतन नहीं मिला आप लोगों को? 5 माह से नहीं हो सकता। आपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया? हाँ, कई बार मौखिक रूप से, लिखित रूप से कई बार दे चुके हैं। अभी तक आप लोगों की नहीं सुनाई? यहाँ क्यों आए? हम लोग यहाँ वेतन नहीं मिल रही है 5 महीने से, इसलिए सर के पास आए थे ज्ञापन देने के लिए कि वेतन संबंधी समस्याओं का हल हो जाए। सर के पास आए थे। क्या काम करते हैं आप लोग, कहाँ काम करते हैं? एनआरसी में सपोर्ट स्टाफ के पद पर। लगभग कितने माह से वेतन मिल रहा है? 4 से 5 महीने हुए। पंडिया लिखित ने भी बोला है और बोला है, यहाँ भी 2 बार आ चुके हैं। आज यहाँ हमारा दूसरा बार आना हुआ कलेक्टर सर ने। आपके विभाग के अधिकारी क्या कहते हैं? आश्वासन देते हैं, देखिए हो जाएगा। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया आप लोग, मिले अभी? कलेक्टर सर नहीं मिले, पिछली बार मिले। क्या कहा था उन्होंने? इसके बाद ये मैं सर को तुरंत कॉल लगाया था और घर भी गए थे हम लोग, तो उन्होंने बोला था कि वगैरह देखने के लिए वेतन का करेंगे, यदि वेतन दे रहे हैं तो आप लोग केस लगाएंगे ईपीएफ के लिए, ये भी बोला था। आश्वासन दिया कि हो जाए, काम पूरा लिया जा रहा है, वेतन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में देखने लायक होगा प्रशासन कब तक इनका वेतन इन्हें उपलब्ध कराता है। संजय सरवरिया, लखी डीसी न्यूज। दमोदिया थाने की जौलपुर नाका चौकी अंतर्गत कोटातला से एक बड़ा मामला सामने आया। सोते समय एक बेटी के लिए सांप ने अपना निशाना बनाया, उसे तत्काल ही गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसका उपचार भी किया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। बताया जाता है कि बेटी की मौत हो गई है। परिजन गमगीन है, बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जिला अस्पताल पहुंचे थे। पंचनामे की कार्रवाई की गई और शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया है। क्या पूरा मामला है, किस तरह से घटनाक्रम हुआ है, आइए जानते हैं परिजनों से।
भैया क्या नाम है आपका? अनवर। कहाँ के रहने वाले हैं? कोटकपुर। एक कौन है आपकी? मैनेजर। क्या नाम है इनका? अल्फी। क्या हो गया इन्हें, क्या कर रहे हैं? सांप लगा। कहाँ थे ये, क्या कर रहे हैं? रात में सोते समय। सोते समय देखा आप लोगों ने सांप कौन सा था? देखा नहीं, सांप के लक्षण निशान बना दिया। फिर कहाँ ले गए थे आप लोग? अस्पताल ले। तो यहाँ क्या कहा डॉक्टर ने? फिर डॉक्टर ने इलाज विलाज किया, उसके बाद फिर संजय सरवरिया लखीडी सी न्यूज दबाव। तमो जिले के नोहटा थाना अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना सामने आई है जिसमें तीन लोग घायल हुए। बताया जाता है कि एक बाइक में दूसरी बाइक ने टक्कर मारी जिसके चलते तीन लोग घायल हुए जो एक बाइक पर सवार थे। इस घटना में घायल लोगों को दमो जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया जहाँ उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दसौंधा का एक परिवार अभाना आया था, सामान खरीद कर वापस दसौंधा जा रहा था कि बीच रास्ते में ये टक्कर हो गई। इंग्लिश मीडियम स्कूल के आगे ये टक्कर हुई। घायलों को दमो जिला अस्पताल रेफर किया गया जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायलों के द्वारा बताया गया। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरि प्रसाद है। कहाँ के रहने वाले हैं? दसौंधा के। ये कौन है आपके? ये हमारा भतीजा है। और वो उसकी साली है। क्या नाम है इनकी, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? अभाना से दसौंधा जा रहा, अभाना आए थे कुछ सौदा लेने, फिर वापसी में किसी ने मोटरसाइकिल मार दी पीछे से। क्या नाम है इनकी? नरेंद्र। और बच्ची का? पूजा। और सतीश एक लड़का और है, उसको हुआ कन्या है। कहाँ की घटना है जी? अभाना के वो इंग्लिश मीडियम है, वो पुलिया थी आगे की बात है। कौन सी गाड़ी ने टक्कर मारी है? मोटरसाइकिल टीवीएस। ये लोग, यही लड़का चला रहा। घायलों का उपचार दमो जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया लखीडी सी न्यूज दबाव। बटियागढ़ छतरपुर मार्ग पर गेवलारी के पुलिया के समीप टैंकर ने तीन लोगों को टक्कर मार दी जिसमें वह घायल हो गए। घायलों को बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल किया गया जहां पर उनका उपचार जारी है। बताया जाता है कि गेवलारी की पुलिया पर टैंकर ने पीछे से टक्कर मारी है बाइक में जिसमें तीन लोग घायल हुए हैं। यह जो टैंकर है वह यूपी पासिंग था। वही मोटरसाइकिल दमो की बताई जा रही है। बाइक सवार प्रताप सिंह पैंसठ वर्ष, खेर सिंह माधव 33 वर्ष, देशराज कृपाल 30 वर्ष घायल हो गए हैं। डायल 100 के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। घायलों को दमो रेफर किया गया है जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायल के परिजनों के द्वारा बताया गया। क्या घटना हुआ? एक बच्चा हमारा संगे लड़का जा रहा था पुलिया, तो पुलिया पे यहाँ पीछे से एक ट्रक वाले ने गाड़ी हम गई, तो एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत ज़्यादा चोट आ गई, लग गई है। कितने लोग घायल हुए? तीन घायल हो गए। क्या घटना हुआ? हमारा भैया तो दमाल आई भतीजी बैठे बैठे गाड़ी पे, तीन में वो गाड़ी गई, उन्होंने पछाड़ से मोड़ा। कितने लोग घायल हुए? तीन। कहाँ जा रहे थे आप लोग? इधर बटियागढ़। कहाँ गए हैं? मकबट। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ गणेश भगवान की प्रतिमाओं का विसर्जन सोना नदी के बड़े पुल के पास पीपल घाट एवं छोटे पुल धोनी घाट सहित घाटों पर सुबह से ही किया गया। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन, छोटे छोटे बच्चे गणेश प्रतिमाओं को लेकर पहुंचे, काफी आनंद और उत्साह का वातावरण यहाँ पर देखा गया। वहीं चार बाट चौराहे के प्रसिद्ध गणेश प्रतिमा बड़ी ही धूमधाम नगाड़े अखाड़े के साथ निकाली गई। गणेश प्रतिमा यहां पर जब निकाली गई तो मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव यहां मौजूद थे। गणेश भगवान की महाआरती की। गणेश विसर्जन के अवसर पर सुना नदी के सभी घाटों पर महिलाओं पुरुषों की भीड़ देखी गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन एवं नगर पालिका के द्वारा नदी के घाटों पर गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन की व्यवस्था की गई थी।
गड़ा कोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। वीडियो बना रहा हूँ। गड़ा कोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर दमोह के फटेरा कला में भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन काफी धूमधाम से किया गया। हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए। बताया जाता है कि लगभग 20 प्रतिमाएं अलग अलग स्थान पर विराजमान थीं। मैन बाजार, SBI बैंक, नामदेव मोहल्ला, मौर्या कुआं सहित अन्य जगह पर ये प्रतिमाएँ स्थापित थीं। लोगों के घरों में भी छोटी छोटी प्रतिमाएँ स्थापित थीं। बड़ी संख्या में लोग इन्हें विसर्जन के लिए लेकर निकले। ट्रैक्टर ट्रॉली पर प्रतिमाओं को स्थापित किया गया था। जगह जगह इनका स्वागत किया गया। लोगों ने आरती, हवन, पूजन आदि के बाद भगवान श्री गणेश के विसर्जन की तैयारियां की थी। विसर्जन उत्सव काफी इस अवसर पर स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। फिर से गणपति बप्पा मोरया अगले वर्ष तू जल दिया के जयकारे के साथ हुआ भव्यता के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। पर्युषण पर्व के समापन अवसर पर निकली श्री जी की भव्य शोभा यात्रा। सांप के काटने से किशोरी की मौत। स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं मिला 6 महीने से वेतन।
की कुछ खास खबरें अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी, ये बैगन की बातें नक्को करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता देखो। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कम्फर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मी हॉर्स, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।